और बुधनी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बुधनी से कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा है, विक्रम मस्तल को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ में, वो चुनाव लड़ेंगे बुधनी से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बुधनी से बता दें, हनुमान का किरदार निभा चुके हैं विक्रम मस्तल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बुधनी से बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव की मतगणना की जाएगी, 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें बुधनी से, जहां पर बुधनी से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, चुनावी सभा में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है और इस बार बुधनी से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी विक्रम मस्तल को बनाया है। तो विक्रम मस्तल कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं बुधनी विधानसभा से, वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ में लड़ेंगे चुनाव। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हनुमान का किरदार निभा चुके हैं विक्रम मस्तल और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतदान के जो है परिणाम आएंगे, रिजल्ट घोषित होगा। तो बड़ी खबर आपको बुधनी से बता दें, जहां पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, बुधनी से कांग्रेस ने विक्रम मस्तल को उम्मीदवार बनाया है और बता दें कि विक्रम मस्तल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ में चुनाव लड़ेंगे और विक्रम मस्तल हनुमान का किरदार निभा चुके हैं, अभिनेता हैं वो, और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी। तो बड़ी खबर आपको बुधनी से बता रहे हैं।